रिपोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, जैसा कि आपको पता था, आज 23 नंबर कोर्ट में माननीय राजेश सिंह चौहान जी की बेंच में अपना 69,000 शिक्षक भर्ती का अति महत्वपूर्ण केस, जो लगातार आफ्टर इंटरवल सुनवाई में लगा हुआ है, केस अपने निश्चित समय पे 2:28 पे टेक ऑफ हुआ। साथियों, जैसा कि कल की सुनवाई में आप सभी को पता है कि जीएस परिहार जी आर्गुमेंट कर रहे थे हम लोगों की पक्ष की तरफ से, उसी को कंटिन्यू करते हुए जीएस परिहार जी ने आज सही बहस करी। जितने भी जवाब कल कहीं ना कहीं कुछ लीक से हट के जा रहे थे, वो आज प्रॉपर वे में उन्होंने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया और जज साहब संतुष्ट दिखे। 40 से 45 मिनट की आर्गुमेंट के बाद दूसरी रिट पे जो लीडिंग एसएलपी है, रिट है, उस पे स्टैंड थे श्री उपेंद्रनाथ मिश्रा जी। उपेंद्रनाथ मिश्रा जी जैसे जाने जाते हैं, उसी के हिसाब से वो हमेशा तेज तर्रार बहस के लिए जाने भी जाते हैं और वैसे ही वो बहस करते हैं। जब उपेंद्रनाथ मिश्रा जी बहस कर रहे थे तो कोर्ट में एकदम से सन्नाटा रहता है, क्योंकि उनकी वे ऑफ टॉकिंग, वॉइस प्रोनाउंसिएशन इतना लाजवाब रहता है कि पूरे कोर्ट रूम में सिर्फ उन्हीं की आवाज गूंजती है और सभी लोग शांत होकर सुनते हैं। साथियों, उसी के आगे उपेंद्रनाथ मिश्रा जी ने उन सभी आर्गुमेंट का डिफेंस किया जो कंटिन्यू 3 डेज सरकारी वकील प्रकाश चंद्रा जी ने किया था और शिक्षा के मित्रों के ऊपर अयोग्यता का ठप्पा लगाया था। उस ठप्पे को एक एक तर्क देते हुए उपेंद्रनाथ मिश्रा जी ने शिक्षा मित्रों के अपॉइंटमेंट से लेके उनकी योग्यता तक सब कुछ एक प्रॉपर वे में बताया, जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हुई और ये भी कहा कि एक परीक्षा ये बीट करके आए हैं, टेट परीक्षा, और जो टेट परीक्षा क्वालिफाई कर लेता है एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, वो अध्यापक बनने की पूरी योग्यता रखता है, इसलिए ये अब अयोग्य नहीं है। आज कोर्ट रूम के अंदर जितनी भी बहस हुई सारी सार्थक रही और शिक्षा मित्रों का प्लस पॉइंट आज भी रहा, कहीं से कोई माइनस पॉइंट नहीं रहा। आज पूर्णतया बहस हमारे पक्ष में थी, हमारे फेवर में थी। जज साहब भी संतुष्ट दिखे। इसी को देखते हुए 4:16 पे कोर्ट का समय हो गया था और जज साहब ने बेंच छोड़ने से पहले एक टिप्पणी करी कि कल भी बहस कंटिन्यू रहेगी, आफ्टर इंटरवल 2:30 पे, और साथ में ये भी बताया कि हम 6 फरवरी 2019 इट मींस वेडनेसडे को केस फिनिश कर देंगे एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पे केस खत्म कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिट पेटिशनर, मोस्ट सीनियर एडवोकेट जो भी जिस रिट पे स्टैंड है उनको मौका प्रॉपर वे में दिया जा रहा है, दिया जाएगा। उसके बाद केस 6 जनवरी 2019 को फाइनल डिस्पोज कर दिया जाएगा। जैसा कि एलपी मिश्रा जी को आज मौका नहीं मिला था और उन्होंने परसों ही कह दिया था कि सर केस को मैं खत्म करूंगा, लास्ट डे मुझे हेयरिंग का मौका दिया जाए, तो ये मान के चलिए कल जब केस स्टार्ट होगा तो उपेंद्रनाथ मिश्रा जी केस में कंटिन्यू हेयरिंग करेंगे आगे, और उसके बाद एलपी मिश्रा जी को कमान सौंपी जाएगी और वो ही केस की अंतिम कील ठोकेंगे, शिक्षा मित्रों के फतेह का परचम लहराएंगे
और विजय दिलाएंगे। आप लोग आशा करिए कल का दिन भी हमारे लिए अच्छा जाए और कुल 72 घंटे हमारे केस की दिशा और दशा तय करेंगे। आज तक जो भी आर्गुमेंट हुए हैं वो हमारे पक्ष में रहे हैं। इसी के साथ मैं आशीष कुमार सिंह, जनपद सीतापुर, हमारी सहयोगी टीम, संघर्षी टीम के साथ ही सीतापुर, गुड्डू सिंह, अनुज त्रिपाठी, सुमित सेठ, प्रवीण आदि।